एक समय की बात है, ढोलकपुर गांव में तो दोस्त श्याम और सुंदर रहा करते थे। वे शाम को घूमने जाया करते थे। एक समय की बात है, जब श्याम और सुंदर साथ में घूमते हुए गांव से एक जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद श्याम सुंदर से कहता है, यार सुंदर, हम गांव से बहुत दूर आ चुके हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। श्याम और सुंदर जब घर की तरफ आ रहे होते हैं, तब अंधेरा हो जाता है और बारिश पड़ने लगती है। श्याम बोला सुंदर से, यार बहुत तेज पड़ने लगी है, अब हमें बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। अगर हम ज्यादा दूर ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम भीग जाएंगे। सुंदर इधर उधर देखता है, तब सुंदर को आग जलती हुई दिखाई देती है। तब सुंदर श्याम से कहता है कि आग चलती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर कोई रहता होगा तो बारिश से बचने के लिए हम वहाँ पर चलते हैं। तब वहाँ पर पहुँचने के बाद श्याम को घर दिखाई देता है और वह घर के अंदर जाने की सोचने लगता है। जब वह घर में जा रहे होते हैं, तब उन्हें पीछे से आवाज आती है, बिना पूछे किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। तब वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें पीछे एक चुड़ैल खड़ी हुई नजर आती है। तब वह दोनों डर नहीं लग जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं एक चुड़ैल हूँ, बरसों से यहाँ रहती हूँ और जो भी इस जंगल में आता है मैं उसे खा जाती हूँ। और ये दोनों उसकी बातें सुनकर डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं, आज के बाद हम इस जंगल में नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। मगर चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। चुड़ैल को अपनी तरफ आते देख ये दोनों अपने घर की तरफ दौड़ते हैं और कुछ देर बाद चुड़ैल एक को पकड़ कर खा जाती है। और एक अपने घर पहुंच जाता है सही सलामत।